हेलो फ्रेंड, आज हम टाइटन कंपनी लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, करेंगे उसका ब्रांड ओवरव्यू, जानेंगे कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में, जानेंगे कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में और भी बहुत कुछ कंपनी से रिलेटेड चीजें जानेंगे। और हाँ, लास्ट में हम कंपनी का बेसिक रेशियो एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखें ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। About the company, Titan Company Limited, जो पहले Titan Industry Limited के नाम से जानी जाती थी, इंडिया की लग्जरी प्रोडक्ट कंपनी है जो मेनली मैन्युफैक्चर करती है फैशन एसेसरीज को, जैसे कि वॉचेस, ज्वेलरी एंड आईवियर। कंपनी एक पार्ट है टाटा ग्रुप की, जो स्टार्ट हुई थी आज से ज्वाइंट वेंचर बिटवीन टाटा ग्रुप एंड तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के बीच। अगर कंपनी के बिजनेस डिविजन की बात करें तो ज्वेलरी डिविजन में कंपनी एक लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर है इंडिया में। कंपनी ज्वेलरी को बेचती है अपने ब्रांड्स के थ्रू, जैसे कि तनिष्क, जोया, मिया एंड कैरेटलेन। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होसूर, पटनागर और सिक्किम में लोकेटेड हैं। इस डिवीजन में कंपनी की स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस है, जिसमें कंपनी के पास अराउंड 500 रिटेल स्टोर्स हैं। कंपनी की कैरेटलेन में 72.3% की होल्डिंग है, जिस वजह से वो कंपनी की मेजोरिटी ओन सब्सिडियरी है। अगर कंपनी की वॉचेस डिवीजन की बात करें तो कंपनी वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है वॉच मैन्युफैक्चरिंग में। कंपनी बहुत से ब्रांड को ओन करती है, जैसे कि जाइलस, नेबुला, टाइटन, फास्ट्रैक, सोनाटा एंड फेवर ल्यूबा। कंपनी की एक जॉइंट वेंचर कंपनी भी है मोंटोब्लेंस, जिसमें कंपनी के पास 49% होल्डिंग है और मोंटोब्लेंस सर्विसेज के पास 51% की होल्डिंग है। कंपनी प्रोड्यूस करती है अपनी वॉचेस को उसकी फैसिलिटीज जो होसूर और में है और असेंबल करती है उन्हें अपने दूसरे प्लांट में जो पटनागर, रोकी और सिक्किम में सिचुएटेड है। कंपनी ओन करती है एंड ऑपरेट करती है अराउंड 750 वॉच रिटेल स्टोर्स को। कंपनी की वॉचेस प्रेजेंट है 7000 से भी ज्यादा डीलर्स और मल्टीपल ब्रांड आउटलेट में अक्रॉस इंडिया। कंपनी बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड जैसे कि टोमी हिल्फिगर, पोलिस वॉचेस, एनल केलन, केनेथ कोल एंड कोच के लाइसेंस को भी प्रोजेस करती है। अगर कंपनी की आईवेयर डिवीजन की बात करें तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ऑप्टिकल रिटेल चेन को ऑपरेट करती है। कंपनी बहुत से आईवेयर ब्रांड को भी ओन करती है, जैसे कि टाइटन, फास्ट्रैक एंड ग्लेयर्स। कंपनी फ्रेम्स और ग्लासेस के भी बहुत से ब्रांड के लाइसेंस को ओन करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो मैन्युफैक्चर करता है फ्रेम्स को और प्रोडक्शन करता है लेंसेस को, वो लोकेटेड है चिकाबलपुर, कर्नाटका में। कंपनी ओन करती है एंड ऑपरेट करती है अराउंड 570 रिटेल आईवेयर स्टोर्स को अक्रॉस इंडिया। अगर कंपनी के अदर बिजनेस डिवीजन की बात करें तो कंपनी की एक स्मॉल प्रेजेंस है फ्रेग्रेंस मार्केट में थ्रू इट्स ब्रांड स्किन, जिसके परफ्यूम्स फ्रांस में प्रोड्यूस होते हैं। कंपनी इन्हें सोल्ड करती है थ्रू की डिपार्टमेंटल स्टोर चेन। कंपनी का एक यंग ब्रांड है तानेरिया, जो स्टार्ट हुआ था 2017 में, जो इन्वॉल्व है इन द बिजनेस ऑफ सारीज। करेंटली कंपनी 14 स्टोर्स को ऑपरेट करती है इन मेजर सिटीज इन इंडिया। अब जानते हैं कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम डिवीजन के बारे में। कंपनी का 83% रेवेन्यू ज्वेलरी डिवीजन से आता है। कंपनी का 13% रेवेन्यू वॉचेस डिवीजन से आता है। कंपनी का 3% रेवेन्यू आईवेयर डिवीजन से आता है। कंपनी का 1% रेवेन्यू अदर डिवीजन से आता है, जिसमें परफ्यूम एंड सारी बिजनेस आते हैं। अब करते हैं कंपनी का ब्रांड ओवरव्यू। कंपनी के वॉचेस बिजनेस सेगमेंट में जाइलस, नेबुला, टाइटन रेगा, ऑक्टेन, फास्ट्रैक, जूप, सोनाटा, फेवर ल्यूबा जैसे ब्रांड शामिल हैं। कंपनी के ज्वेलरी बिजनेस सेगमेंट में जोया, तानिष्क, मिया, कैरेटलेन जैसे ब्रांड शामिल हैं। कंपनी के आईवेयर बिजनेस सेगमेंट में टाइटन आई प्लस, ग्लेयर्स, फास्ट्रैक जैसे ब्रांड शामिल हैं। कंपनी के परफ्यूम बिजनेस सेगमेंट में स्किन और फास्ट्रैक जैसे ब्रांड शामिल हैं। कंपनी के सारी बिजनेस सेगमेंट में तानेरा जैसे ब्रांड शामिल हैं। कंपनी के लाइसेंस ब्रांड्स में टॉमी हिल्फिगर, पोलिस वॉचेस, एनी केलन,
केनेथ कोल एंड कोच जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं। अब जानते हैं कंपनी की पूरी जर्नी के बारे में। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक की कंपनी की पूरी हिस्ट्री के बारे में, कंपनी में जो भी इवेंट हुए हैं उसके बारे में भी जान सकते हैं। अब जानते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। मिस्टर एन मुर्गानंदम जो कंपनी के चेयरमैन है, मिस्टर नोयल एन टाटा जो कंपनी के वाइस चेयरमैन है, मिस्टर भास्कर भट्ट जो कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मिस्टर सी के वेंकटरमन जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मिस्टर वी अरुण रॉय जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, मिस्टर पंकज कुमार बंसल जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, मिस्टर अश्विनी पुरी जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मिस्टर बी संतनाम जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मिस्टर प्रद्युम्न व्यास जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मिस्टर संदीप सिंघाल जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, डॉक्टर मोहन शंकर शिव प्रकाशन जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मिस सिंधु गंगाधरन जो कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अब जानते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर के पास कंपनी का 52.9% स्टेक है, पब्लिक के पास कंपनी का 17.53% स्टेक है, DII के पास कंपनी का 11.48% स्टेक है, FII के पास कंपनी का 18.1% स्टेक है। अगर प्रमोटर प्लेजिंग की बात करें तो 0% स्टेक प्लेज है, जो एक गुड साइन है मैनेजमेंट को लेके। कंपनी की 8 सब्सिडियरी कंपनीज हैं, जिसमें टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, टाइटन वॉच कंपनी हांगकांग लिमिटेड, कैरेट लेन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और भी बहुत सारी कंपनीज उसमें शामिल है। कंपनी की एक एसोसिएट कंपनी और एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी है। अब जानते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी का टोटल रेवेन्यू इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, टोटल रेवेन्यू इन लास्ट 5 ईयर्स में 10.4% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का EBITDA इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, EBITDA इन लास्ट 5 ईयर्स में 8.3% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का EBITDA मार्जिन इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, EBITDA मार्जिन इन लास्ट 5 ईयर्स में अबव 8% रहा है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लास्ट 5 ईयर्स में 7% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का पैट मार्जिन इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, पैट मार्जिन इन लास्ट 5 ईयर्स में अबव 4.5% रहा है। अब करते हैं कंपनी का बेसिक रेशियो एनालिसिस। कंपनी का करेंट रेशियो इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, करेंट रेशियो का थंब रूल है 2:1, यानी अगर ये रेशियो 2 या उससे ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का क्विक रेशियो इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, क्विक रेशियो का थंब रूल है 1:1, यानी अगर ये रेशियो 1 या उससे ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, डेट टू इक्विटी रेशियो का थंब रूल है 1:1, यानी अगर ये रेशियो 1 से कम हो तो बेटर। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बेटर, यानी 5 या 6 टाइम से ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, ये रेशियो जितना हाई हो उतना बेटर, यानी कंपनी अपनी इन्वेंट्री को जल्दी बेच पा रही है। कंपनी का EPS इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, EPS जितना ज्यादा हो उतना बेहतर, ताकि हमें ज्यादा डिविडेंड मिले। कंपनी का ROE इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, आसान इन्वेस्टर ROE 20% या उससे ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का ROCE इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, आसान इन्वेस्टर ROCE 20% या उससे ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का ROA इन लास्ट 5 ईयर्स में ये रहा, ये रेशियो जितना हाई हो उतना बेटर, इससे आप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगी तो पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, ड्यू डिलीजेंस को अप्लाई करें और फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। किसी के भी कहने पर शेयर्स को बाय या सेल ना करें। कंपनी के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और दूसरी जेन्युइन वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।
हूँ।